यूएई एम्बेसी के डिप्टी हेड ऑफ मिशन मोहम्मद सुल्तान अल कतूब ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया और आईसीसीआई के सदर एसन जफर बख्तावी के साथ दो तरफा ताल्लुकात को मुस्तकिम करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सदर आईसीसीआई एसन जफर बख्तावी ने कहा है कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तारीख, मजहब और सकाफत की मुश्तरका बुनियादों पर मुबनी गैर मुतनाज़िर ताल्लुकात हैं, जो वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों ममालिक के अवाम के बेहतरीन मफाद में मजबूत हो रहे हैं। एसन बख्तावी ने सैलाब ज़दगान के लिए फराग दिलाना इमदाद और मुत्तहिदा अरब अमारात की क़यादत की जानिब से मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में तआवुन को सराहते हुए यूएई के सीनियर सफारतकार को बताया कि इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जुलाई 2024 के पहले हफ्ते में शुमाली इलाका जात की भरपूर सियासी सलाहियत को उजागर करने के लिए बैन अवी सियासी समिट का इनका कर रहा है, जिसमें दोस्त ममालिक के 20 से ज्यादा सफी शिरकत करेंगे। इन्होंने यूएई के सफारतखाने को समिट में शिरकत की दावत दी। यूएई के डिप्टी हेड ऑफ मिशन ने इस मौके पर कहा कि दोनों ममालिक की बिजनेस कम्युनिटी को ताल्लुकात की मजबूती और माशी मैदान में तआवुन के लिए मुश्तरक प्लेटफॉर्म तश्कील देना होंगे। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती में बेहतरी के लिए मुतअद्दिद मौके मौजूद हैं। यूएई की हुकूमत पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए काम कर रही है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए हैं। जल्द ही ये तमाम मनसूबे पाए तकमील को पहुँचेंगे। आईसीसीआई के चेयरमैन खालिद इकबाल मलिक ने कहा कि मौजूदा समाजी, सकाफती और इक्तिसादी ताल्लुकात को फरोग देने के लिए काफी इम्कान मौजूद हैं, जो दोनों ममालिक को मजीद करीब लाने का सबब बन रहे हैं। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सेक्रेटरी जनरल जफर पख्तावी ने भी यूएई में मुनक़दा आईसीसीआई बिजनेस मौके कॉन्फ्रेंस को इंतहाई कामयाब और नतीजा खेज करार देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी गोशवार तालुकात पर रोशनी डाली। इस मौके पर आईसीसीआई के एग्जीक्यूटिव मेंबरान रिजवान चीना, चौधरी मकसूद ताबिश, खालिद चौधरी, मलिक नदीम अख्तर और नईमा अंसारी भी मौजूद थे।